हेलो, दूसरा वाला है चैनल सब्सक्राइब कर रखा? नहीं कर रखा? नहीं कर रखा है? चलो मैं एक बार आपको सेंड करता हूँ, एक बार ज़रा चेक करना है ना। क्या नाम है दूसरा वाला? है ना? अब ये देखो कि वॉइस आ रही है नहीं आ रही है। आ रही है वॉइस? अच्छा, आ रही है ना? चल, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, कर लेते हैं ना। चल, हेलो, वॉइस आ रही है? अच्छा, सही है। देखो, इसमें भी आपके लेवल के क्वेश्चंस हैं और PGT। अच्छा, यूपी PGT कहाँ गई क्वेश्चंस? बैनर अच्छा, ये हाँ जी, चलें। चलो फर्स्ट वाला करते हैं, बताओ इसका आंसर क्या है। चलो, कौन सा आंसर होगा इसका? द मोस्ट सूटेबल एल्कली मेटल्स टू रिमूव ट्रेसेस ऑफ N2 फ्रॉम हाईली प्योर आर्गन गैस। कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है? मोस्ट सूटेबल मेटल, नाइट्रोजन को हटाने के लिए कौन सा मेटल यूज़ किया जाएगा इसमें, बताओ। देखो, जब भी कभी आर्गन को हटाना होता है हमें, प्योर आर्गन गैस को, ठीक है, तो लीथियम का यूज़ करते हैं। समझ रहे हो ना क्यों यूज़ करते हैं? अब आप ये देखो कि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2P3 होता, नहीं होता है? इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 2। तो इसका लीथियम, ये नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन की बात चल रही है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2P3। तो ये बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2S1। तो इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है या नहीं है? अब जैसे जैसे आप बढ़ोगे, इनकी तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो साइज़ मैच नहीं कर रहा, तो कौन सा वाला रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाएगा? लिथियम। ठीक है, ध्यान रखना।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सेकंड, ये रहा, बनाओ वही क्वेश्चन। अब ये आपके फुल लेंथ टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनमें ज़्यादा टाइम लगाऊंगा मैं जिनमें आपके लिए हैं। जैसे ये क्वेश्चंस है, आपका वाला क्वेश्चन है, अगर मुझे लगेगा नहीं आपके लेवल का नहीं है क्वेश्चन तो मैं तुरंत आगे बढ़ जाऊंगा। बताओ फटाफट से करते हैं क्वेश्चंस को। देखो क्या है, 3 ग्राम ऑफ यूरिया इतना 45 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ पे क्या होता है, डेल पी डिवाइडेड बाई पी डॉट ए, दिस वन इज इक्वल टू एक्स बी, है ना। अब ये एक्स बी क्या है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो इसको और क्या लिख सकते हो आप लोग, डेल पी बाई डेल पी नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एन बी, एन बी प्लस एन ए। सबसे पहले आप लोग इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब एन ए कैसे निकालोगे बताओ, इसमें एन ए कौन सा है, वाटर, एन ए कौन सा है, वाटर, तो एन ए क्या होगा बताओ, 45 डिवाइडेड बाई कितना, वाटर का कितना होता है 18, नहीं बात समझ में आई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, 2.5 आ गया। अच्छा एन बी कितना आएगा, एन बी कितना निकालेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा 3, भाई यूरिया का कितना होता है बताओ, एन एच टू सी ओ एन एच टू, सही है, एक एन का 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 12 16 और ये हो गया 16, 32 ये हो गया, 32 प्लस कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना है 16, बताओ भाई कितना हो गया यहाँ पे, 0 60 हो गया, कितना आया बताओ, बताओ आ गया, सही है। अब ये नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गए हमारे पास, अब क्या करोगे आप लोग, नंबर ऑफ मोल्स दिस वन डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस 0.05, कितना करोगे बताओ भाई, कितना आंसर आया, अरे जोड़ो तो सही इसको, कितना आया 2.55, नीचे वालों को जोड़ो डिवाइड लगाओ, कितना आ रहा है 0.0196, 196 समथिंग आ रहा है, 196 को राउंडिंग ऑफ कर दो कितना आएगा, 0.0196, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस वन 1, सही है। क्वेश्चन निकालने का तरीका समझो क्या है, कैलकुलेशन में तो आ ही जाएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 3 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 45 ग्राम वाटर, द आर एल बी पी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना होगा, तो इसको इसके अकॉर्डिंग लगा दो, इसको यहाँ सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ये आर एल बी पी होता है, ठीक है। थर्ड वाला 125 करेंगे, बहुत फास्ट में करेंगे, थोड़ा सा मतलब समझ में भी आएंगे, बस आपको करने का तरीका समझना है। 3 थर्ड, ये तो 35 आ गए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलो भाई बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लेवल का क्वेश्चन है, नीट में कई बार आ गया, बताओ कौन सा आंसर है, फोर्थ आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, मेटल टू लेगेंड चार्ज ट्रांसफर,
पोटेशियम पर मैग्नेट का जब भी कभी कलर आता है तो क्या होता है, मेटल टू लीगेंड चार्ज ट्रांसफर, ये होता है। मेटल टू लीगेंड चार्ज ट्रांसफर कोई दिक्कत तो नहीं है, KMnO4 है, KMnO4 आपको कैसे पता लगा, यहां से हटाओ प्लस वन माइनस वन, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी इसकी, प्लस सेवन, प्लस सेवन मतलब इसका मैग्नीज का कितना होता है D5N4H2। स्पीड थोड़ी हम ज़्यादा रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब यहाँ डी री ट्रांजिशन तो हो ही नहीं सकता, कौन सा होगा, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, तो आंसर विल बी 4। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, चलो हालांकि ये आपके लेवल का नहीं है इसलिए इसको वैसे ही आपको मैं बता देता हूँ, ये केवल यूपी पीजीटी वालों के लिए है। नंबर ऑफ ट्रिपल पॉइंट फेज डायग्राम ऑफ सल्फर, सल्फर की जो होती हैं, एक होती है मोनोक्लिनिक सल्फर, एक होती है रोम्बिक सल्फर और एक उनके बीच में वेपर फेज सल्फर, तो तीन बनती हैं, तो इसका आंसर आएगा 3। ये आपको नहीं समझना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, फिनाइल आइसोसाइनाइड सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड, तो फिनाइल आइसोथायोसाइनेट किसने सिंथेसिस किया था, फेयर एडमन, ये भी आपका नहीं है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, 4th आंसर है। जो आपके लेवल का नहीं होगा उसको हटा देंगे, जल्दी से करा देंगे। 6 हो गया 7th, ये आपका क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का 11th क्लास का एनसीईआरटी के बुक में से छाप दिया, बताओ भाई। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कौन सा यूज करते हैं बताओ, कोल्ड एंड डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट मैंने आपको पढ़ाया हाइड्रोजन वाले चैप्टर में, बताओ कौन बच्चा बताएगा। मार्शल एसिड से बनाते थे, किससे बनाते थे बेसिकली, मार्शल एसिड में वाटर डालो H2SO4 बनेगा, फिर दोबारा से उसको कर दो, ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा, मार्शल एसिड 50% कोल्ड एंड डाइल्यूट, 50% कोल्ड एंड डाइल्यूट। एट, ये चलिए आपका नहीं है तो वैसे ही बता देता हूँ इनको, तो ये यूपी पीजीटी वालों के लिए है, जूल थॉम्सन कोफिशेंट है ना, तो वो सीवी पर होता नहीं है, सीपी पर होता है, लेकिन सीपी पर एच ये वाला चला जाए, ये आपके लिए नहीं है, इसको छोड़ दो, जॉन जूल थॉम्सन है। 9, द लिक्विड अमोनिया सल्फेमिक एसिड बिहेव एज, अगर वाटर होता है तो अमोनिया के साथ कैसा करता है बताओ, वाटर और अमोनिया का कैसा रिलेशन होगा, मोनोबेसिक, क्योंकि अमोनिया क्या है, अपना एक H प्लस ले सकती है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक। अगर कहीं पर सल्फोनिक एसिड आ जाए तो वो कैसा होता है बेसिकली, डायबेसिक, ये नहीं है वैसे भी आपका, वहां पे रुकूंगा जहां पे आपका होगा, बाकी यूपी पीजीटी वालों के आंसर की बना देते हैं। 9 हो गया, 10 ये रहा, ये आपका है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिसिटी, ये आपका है, बताओ एरोमेटिसिटी किसकी ज्यादा होगी, तीन कंपाउंड है, ये आपके पास थायोफीन है, थायोफीन, ये आपके पास फ्यूरान है, ये आपके पास पाइरोल है, अब सारे ये जो है ना हाइड्रोसाइक्लिक हैं,
इसके लोन पे इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाएंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? अब ये बताओ सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन सा है? अच्छा ये बताओ लोन पे इलेक्ट्रॉन अंदर किसके सबसे जल्दी चले जाएंगे? लोन पे जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज किस पे ज्यादा देर तक रखा रह सकता है? पॉजिटिव चार्ज इन तीनों में से ज्यादा देर तक किस पे रखा रह जाता है? सल्फर पे। भाई जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी वो पॉजिटिव चार्ज को बियर ज्यादा देर तक कर सकता है, नहीं कर सकता है? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी वो पॉजिटिव चार्ज को कम बियर करेगा, तो सबसे ज्यादा कौन कर देगा? सल्फर। सल्फर का मतलब थायोफिन। तो ये अगर लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बात आई तो ये सबसे पहले करेगा ना, फिर कौन करेगा? नाइट्रोजन। फिर कौन करेगा? ऑक्सीजन। तो क्या आ गया? थायोफिन पायरोल फ्यूरान। तो कौन सा आंसर होगा इसका? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी सबसे ज़्यादा होती है थायोफिन की, और वैसे भी आप देखोगे तो कोई ऑप्शन है नहीं और थायोफिन चला गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10, 11 बताओ भाई, ये आपका क्वेश्चन है, ये नीट में 3 बार आया हुआ है, जेई में बहुत बार आया हुआ है। जेई में तो कल परसों ही आया, 21, 20 में आया है ये जेई का, 20 का आईआईटी मेंस। आर्सेनिक पे कितना चार्ज होता है? आर्सेनिक पे +3। आर्सेनिक पे कितना चार्ज होता है? +3। वो किसके बराबर बनाएगा? +3 के बराबर। तो कौन सा आंसर आ गया? नहीं बात समझ में आई? आर्सेनिक तो नाइट्रोजन वाले ग्रुप में ना, आर्सेनिक की वजह से तो यहाँ 3 लगाया गया है और सल्फर की वजह से तो यहाँ 2 लगाया गया है। तो उसके इक्विवेलेंट ढूंढो, जितना चार्ज उस पर वही तो न्यूट्रलाइज करेगा। तो उस पर इक्विवेलेंट किस पे आ रहा है? एल्यूमिनियम। कॉगुलेटिंग पावर, +13। द इंटरमीडिएट फॉर्म्स ट्रिप्टोसिन ऑन रिएक्शन विद एंथ्रासिन। अच्छा, तो इसमें जो बनेगी इंटरमीडिएट बेंजाइन बनेगी। इसको छोड़ दो, आप लोगों का नहीं है। एंथ्रासिन जानते हो आप लोग कौन सा होता है? देखो ये बेंजीन है ना, ये बेंजीन है, ये नेफ्थलीन है, और ये हमारे पास एंथ्रासिन है। 3 रिंग होती है ना, इसको बोलते हैं एंथ्रासिन। ये एंथ्रासिन है, तो ये बनेगी, तो उसमें बेंजाइन इंटरमीडिएट होता है तब बनती है। 13 हो गया। 14 देखो, चलो ये आपका मतलब का है, बताओ। देखते हैं आपको सॉलिड स्टेट में मैंने कराया था वो याद है, थोड़ा बहुत नहीं याद है। सॉलिड स्टेट में ऐसी कौन सी है जो सारे के सारे अनइक्वल रहते हैं? नो सिमेट्री। सारे अनइक्वल किस में रहेंगे? मैंने एक ट्रिक बताई थी ना, सितार में तार है, वो वाली ढूंढो। बता सकते हो? अच्छा ये देखो कैसे करते थे हम लोग, ऐसे करते थे, सितार में तार है, सितार में तार है, ठीक है, 1 2 3 3 3 1 2, यही तो करते थे। क्यूबिक नहीं आता है आप लोगों को? क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक,
ट्राई क्लिनिक और रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल। अब देखो यहाँ पे क्या है, सी की तरह रोम के तीन फ्रेंड थे, इसका मतलब क्या है, इसका बॉन्ड एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो जो हाल इसका होगा वही हाल इसका है, वही हाल इसका है। सी की तरह रोम के तीन फ्रेंड थे। अब ये कॉम्पिटिशन में से हट गया, मान लो अगर बॉन्ड एंगल इक्वल आता है तो क्यूबिक है, बॉन्ड एंगल इक्वल आता है तो टेट्रागोनल है। इसका मतलब समझ रहे हो, टू का मतलब, ए का मतलब हुआ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, बी का मतलब हुआ ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। अब ये वन टू थ्री, थ्री का मतलब क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, फिर इसका मतलब ए नॉट बी नॉट इक्वल टू सी, फिर थ्री का मतलब ए नॉट बी नॉट सी, वन का मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, टू का मतलब दिस वन। अब ये देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ तो हो नहीं सकती क्योंकि अनइक्वल तो आपके पास तीन है ना, तो तीन क्या चीज़ अनइक्वल है, सी की तरह रोम के तीन फ्रेंड थे तो इसका तो बॉन्ड एंगल इक्वल होगा, तो ये तो हो नहीं सकती। तीन बार क्लिनिक पे गए, तीनों बार डॉक्टर नहीं मिला, यहाँ पे तीन बार क्लिनिक पे गए, तीनों बार डॉक्टर नहीं मिला, यानी कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो कौन सा वाला होगा हमारे पास, ट्राई क्लिनिक। ये एक पूरा वीडियो है, उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है, वहाँ पे इस वाली बात को समझना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो ट्राई क्लिनिक होगा। ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है 13, 14, 15, ये आपके मतलब का नहीं है, फिर भी इसमें CV फॉर CO2 टेम्परेचर इक्वल टू एज्यूम 20% वाइब्रेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन एट रूम टेम्परेचर। चलो कोई नहीं, इसको इसका आंसर बता देता हूँ, ये है, लेकिन फिलहाल के लिए आपके मतलब का नहीं है। 15, 16, जो आपके मतलब का वही होगा वही बताएंगे, ये आपके मतलब का बताओ। वर्क डन थर्मोडायनेमिक्स का है, वर्क डन वन मोल ऑफ जिंक एक्वस SCl, SCl एक्वस में ले लो, ZnCl2 प्लस क्या H2, मतलब यहाँ पे आपको ट्वाइस लगाना पड़ेगा। अब इसमें क्या निकालना है भाई बताओ। अच्छा वर्क डन क्या होता है, माइनस पी डेल वी होता है ना, माइनस पी डेल वी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, डेल एन जी आर टी, समझ रहे हो। अब इसमें डेल एन जी निकाल लो, चलो बताओ भाई डेल एन जी कैसे निकालते हैं, डेल एन जी निकालते हैं, डेल एन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है, ये तो एक्वस ही होगा, यही गैस है ना, अरे भाई प्रोडक्ट में कितना मोल गैस है, 1। रिएक्टेंट में कितना है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ये सॉलिड है, गैस के ही तो निकालते थे, तो 1-0 इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 1। तो लगाओ इसमें ये माइनस, इसके प्लेस पे ये रख दिया -1 × आर की वैल्यू कितनी है, 8.314 × टेम्परेचर कितना दे रहा है, 27 का मतलब कितना हुआ, 300। सॉल्व करो आंसर कितना आया, देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, ये आपका क्वेश्चन है, बताओ वर्क डन कितना हुआ, कैलकुलेट करो इसको, ये हो नहीं सकते। अब इन दोनों में से कोई होगा, कौन सा है, थर्ड है सेकंड है, हाँ देख लेना, मतलब कैलकुलेशन ये चीज रहेगी, 3R है, सही है, देख लेना है ना, मैंने किया नहीं है, होगा ऐसे, और देख लेना, फिर दोबारा बता रहा हूं कि मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये या ये वैल्यू ये सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर होगा वो आपका है।
थोड़े सारे क्वेश्चन पे एक बार गो थ्रू होना चाह रहा हूं मैं, तो इसलिए देखो कौन बच्चा बता रहा है। हाँ जी बताओ, वाई प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस द रेट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मान लो आप मीथेन में क्लोरीनेशन करना चाह रहे हो, हमने सनलाइट डाल दी, अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऐसा क्या बन जाता होगा? तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल बन जाता होगा, तभी तो क्लोरीनेशन जल्दी से होने नहीं दे रहा है भाई। अगर आप डायरेक्ट क्लोरीन की रिएक्शन कराओगे तो क्लोरीनेशन होगा, मान लो आप क्लोरीन ना करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करा दोगे तो ऑक्सीजन में भी तो फ्री रेडिकल बन जाएगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे आकर के लग जाएगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड। ठीक है 17 डन। 18, ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट आईआईटी जेई के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेक्निकली क्वेश्चन। बताओ कौन सा आंसर है इसका? P2O5 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वाटर निकाल दो फटाफट से, इस मॉलिक्यूल में से वाटर निकाल दो, क्वेश्चन करने से प्रैक्टिस आएगी आपके अंदर। वाटर निकालो, पानी निकालो, COH2O निकाल दो, CNE तो बचा नहीं, बात समझ में आई? अरे भाई CO यहां से निकाल दिया, H2 यहां से निकाल दिया, COH2 निकाल दोगे तो साइनाइड बन जाएगा, सही है? क्वेश्चन नंबर 18 डन। क्वेश्चन नंबर 19, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में बोलो एक सिग्मा दो पाई, चार बॉन्ड में क्या होगा, फोर बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा दो पाई प्लस वन डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रुपोल बॉन्ड। कौन सा बोलते हैं? क्वाड्रुपोल बॉन्ड। सिखाया था मैंने, कौन सा एग्जाम आ गया, बस समझ लो। आरी आरी के बीच में 1 2 3 4, आरी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सिग्मा 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 सिग्मा, ये सिग्मा 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 सिग्मा, सिग्मा पाई पाई डेल्टा, बात समझ में आई? क्वाड्रुपोल, दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रुपोल बॉन्ड। 19 20, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अब मान लो एक आध बच्चा भूल गया, अब तुक्का कैसे लगाएं वो समझा रहा हूं, वैसे मैं तुक्का को कभी कहता नहीं हूं, आप लोगों से तुक्का लगाओ, लेकिन मैं कहता हूं अब तुक्का कैसे लगाना है। अब देखो ऐसा ही यूनिट में हमेशा क्या होता है, बेसिकली मीटर में आता है भाई। मान लो आप बिल्कुल भूल गए तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएं, ऐसा यूनिट तो मीटर में चलेगी, तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? इसमें तो सेंटीमीटर दे रखी है, ये तो गलत है, ये सेंटीमीटर ये गलत है, तो अब कौन सी होती है? साइमन मीटर इन्वर्स हो गई, आंसर आ गया। ऐसा यूनिट तो आपको ये भी चीजें समझना जरूरी है कैसे कर रहे हैं। अब मान लो आप बिल्कुल भी भूल गए तो भी ऐसे क्वेश्चनों को निकाल ले जाओगे। कितना हो गया? 21 डन। 22, ओहो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, बताओ भाई साहब इसकी वैल्यू को अभी निकाल देंगे एक मिनट में, बताओ कितना होगा इसका, क्या करूँ आप, गिवन दैट इतना है HCl का, इतना है एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन, 1 मोल ऑफ HCl 100 मोल ऑफ वाटर इज, अच्छा ठीक है, तो 100 मोल में इतना, इसमें इतना, तो कितनी आएगी? तो इसके लिए ये सॉल्व करना जरा एक बार, कितना आया सॉल्व करना, आंसर आ गया।
कितना आ रहा है? थर्ड आंसर आएगा 75, माइनस में ही आएगा। तो माइनस में हमारे पास दो हैं और तो है नहीं, तो सबसे बड़ी बात तो ये हो नहीं सकता, तो थर्ड वाला आंसर है। कुछ भी नहीं है थर्मोडायनेमिक्स में। देखो अब क्या था इसमें, ये था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसमें से उसको माइनस करना था। 22, 23, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेलो एंजाइम्स डू नॉट कंटेन जिंक। तो नाइट्रोजनेज एक ऐसा होता है कि इसमें जिंक नहीं होता, बाकी सब में, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में जिंक, कार्बोनिक में जिंक, इसमें जिंक। तो हमारे पास आंसर हो गया थर्ड। ये आपका है भाई साहब, करो इसको। केमिकल काइनेटिक्स, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना 200 सेकेंड, द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट विल बी, क्या होता है बताओ फॉर्मूला बोलो। टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, 0.093 yk। करो क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट इज 0.0963/200। कितना आ गया बताओ आंसर, बताओ ये सब करना है। ये फर्स्ट फर्स्ट नहीं आ रहा होगा, कुछ और आ रहा हो, ऐसे करके दिखाओगे तभी तो आएगा यार, ये बताओ, करके नहीं दिखाओगे तो कैसे आएगा। बताओ भाई बिना कितना आया। कितना आ रहा है इसका अगर कर रहे हो आप लोग तो कितना आंसर आएगा उसको कैलकुलेट करने पे, 0.003। इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने पे यही तो आ रहा है 0.003 है ना, 3, 4, 6। अब इसको अगर आप लगाओगे तो कैसे लिख सकते हो, 3.46 × 10⁻³ तो आएगा। साइंटिफिक नोटेशन बनाना है, समझ में आया नहीं आया, सही है, कौन सा आंसर है, सेकंड है। 24, 25 देखो क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज यूज टू एक्सप्लेन होमोजीनियस कैटलिस्ट, होमोजीनियस कैटलिस्ट को कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। एडसॉर्प्शन थ्योरी किसके लिए अप्लाई होती है, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस के लिए इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। 27, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये नीट में आएगा बताओ। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन, किस पर बेस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट इसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में एक्सचेंज किया जा सकता है। तो ये क्या है बेसिकली? एक्सपेरिमेंट किया होगा किसी ने, तभी तो बताया होगा। थ्योरी थोड़ी ना दी थी, एक्सपेरिमेंट तो किया था, तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन से ही समझ में आएंगे कि चल क्या रहा था ये। चलो इसको आप छोड़ देना, लेकिन मैं आपको इन लोगों को बता दूंगा, फ्यूरॉन आंसर है इसका। डील सेल्डर रिएक्शन जो नहीं देती है वो फ्यूरॉन नहीं देता है। 28 ये भी थोड़ा सा आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्या होता है। एक सब प्रिंसिपल होता है, ये क्या होता है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। ये कॉन्सेप्ट ये कहता था कि हार्ड का हार्ड से रिएक्शन होगी तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, यानी कि हार्ड हार्ड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है ना, ये सब प्रिंसिपल कहता है। तो ये हार्ड है, ये है, ये सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, ये भी जाएगा। तो आपके लिए नहीं है, लेकिन इसका आंसर थर्ड है, क्योंकि ये हार्ड है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, वो सॉफ्ट, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, तो इसलिए इसमें ही रहेगा। आप छोड़ दो, आपके लिए नहीं। 28, 29 बताओ, ये आपके लिए है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑर्गेनिक का। हाइड्रोलिसिस किसमें हो जाएगी? हाइड्रोलिसिस जो स्टेबल होगा उसमें होगी। वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइज्ड मोर रैपिडली। कार्बोकैटायन स्टेबल किसमें बन रहा बताओ? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन किसमें बन रहा है बताओ भाई? जीओसी का क्वेश्चन है तो। बताओ, रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये लॉन पेयर है, यहां से गया, ये गया, कैटाइन आया, लॉन पेयर स्टेबलाइज, आर एस रेजोनेंस। सेकंड वाले में वन ऑर्डर, वो सॉरी 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकैटाइन, ये 0 डिग्री कार्बोकैटाइन, और ये तो सबसे अनस्टेबल है, 3 वाला तो सबसे अनस्टेबल है, ध्यान रखना। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकलवाऊँ मैं आपसे, तो 4, तो 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 3, ये ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन किसमें होगी? रिएक्शन उसमें होगी जो स्टेबल होगा, तो स्टेबल कौन सा है? फोर्थ वाला, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ट्वेंटी नाइन, 30 बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट आईआईटी जेई के लिए। इंडिकेट दिस, ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस करो इसको, रिड्यूस करो, एक रिंग रिड्यूस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वहां पे हाइड्रोजन आ गए तो कौन सा आंसर है? कोई दोनों बेंजीन रिंग थोड़ी ना रिड्यूस होंगी, तो कौन सा वाला आंसर होगा? ये तो यहाँ दोनों ही होगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, फर्स्ट आंसर है रिड्यूसिंग एजेंट। 31, क्वेश्चन नंबर 31, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट आईआईटी जेई के लिए, नीट के लिए बेसिकली। तो अब केवल नीट है। बताओ, आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन से देते हैं? कीटोन, एल्डिहाइड, लेकिन कौन से वाले? मिथाइल कीटोन, मिथाइल एल्डिहाइड। नींद तो नहीं आ रही है? फोर्थ, नॉट आंसर, फोर्थ आंसर है, बिल्कुल सही है, नॉट थोड़ी ना, वहां पे ये कह रहा है कि नॉट कौन नहीं देगा, बिल्कुल सही है।
तो कौन नहीं देगा? ये तो देगा, ये तो टूटेगा, ये देगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, तो कौन नहीं देगा? फोर्थ नहीं देगा, बिल्कुल आंसर सही, सही है नहीं? क्योंकि मिथाइल थोड़ी ना, वो तो इथाइल है, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 31, स्पीड मेंटेन रखेंगे, जल्दी से ख़त्म करना है, आपको समझ में आ जाए, मेरा काम हो जाए। Which of the following responsible lesser pressure real gas comparison to ideal gas? बताओ, real gas और ideal gas को आप comparison कैसे करते हो? Intermolecular forces के according? किसके according comparison करते हो? Intermolecular forces के according, तो कौन सा answer हो जाएगा? Fourth. इसको मैंने आपको बताया था ना उस दिन, वो कॉन्सेप्ट समझाया था, वही वाला निकाल के दिखाओ वही वाला आंसर है, क्वेश्चन है ये, वो था ना बेबी के, और ये था, बेबी के और अच्छा कलर व्हील, अरे आई ज्यादा लगा दी, चलो बताओ कौन सा आंसर है भाई? बेबी ग्योर, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है इसमें? अच्छा इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ये पता है आपको? ठीक है, वेवलेंथ ज़्यादा है। अच्छा आपको पता है सी एफ एस ई वैल्यू, मतलब ई इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? एच न्यू और एस सी अपॉन लेमडा, यानी कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा बताओ? ई एन, फिर कौन सा है? ये न्यूट्रल है, फिर कौन सा है? नेगेटिव। ये एनर्जी का ऑर्डर है, ये सी एफ एस ई वैल्यू का ऑर्डर है, तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बी आर, बी आर की सबसे ज़्यादा होगी, फिर किसकी होगी? एच टू ओ, फिर सबसे कम किसकी होगी इसकी, समझ रहे हो? तो बताओ बी आर का कलर कैसा आना चाहिए? रेड। बी आर का कलर कैसा होना चाहिए था? रेड, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा। फिर इसका ऑरेंज, जो इसका आ रहा है वो कैसा होना चाहिए था? ऑरेंज। और इसका कैसा होना चाहिए था? येलो। ये तो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एमिट कौन सा करेगा? इसका रेड का अपोजिट बताओ कौन सा है? ग्रीन। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर अपोजिट होते हैं, तो इसका कौन सा कलर हो गया? ग्रीन। इसका कौन सा हो गया? ऑरेंज का, ऑरेंज का ब्लू। अरे यार ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर नहीं बताओगे? ब्लू है। और कौन सा है यहाँ पे? येलो का कौन सा हो गया? येलो का रेड। ठीक है, कौन सा आंसर है? वॉयलेट है नहीं ना, देखो येलो का हमने लिया नहीं है, ब्लू का लेना है, ग्रीन का लेना है। अच्छा तो इसको थोड़ा सही करें, इसको सही करना पड़ेगा ना। फिर ऑरेंज है नहीं ना हमारे पास, मतलब वॉयलेट कलर नहीं है, वॉयलेट कलर नहीं है, वॉयलेट नहीं है तो येलो नहीं लेना ना हमें, ग्रीन लेना है। तो पहला रेड, इसका कौन सा हो गया? रेड। इसका तो सही हो गया, इसके कॉम्प्लीमेंट्री में दिखने चाहिए ये ऑप्शन। अब ऑरेंज होता लेकिन ऑरेंज लेंगे नहीं, तो फिर कौन सा लेंगे? नहीं नहीं ग्रीन ले लूं, H2O का, H2O का ऑरेंज, H2O का ऑरेंज ले लो, और इसका, इसका ग्रीन। अब एक बार चेक कर लूं, सही बोल रहे हो क्या? येलो है नहीं, ग्रीन सही है।
अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर निकाल के दिखाओ, उसके अपोजिट में ले जाओ, रेड का क्या आ जाएगा? ग्रीन। और इसका ब्लू, इसका रेड। तो Br का रेड। अब यहां देखो पहले क्या चीज लिखी हुई है, H2O। तो H2O का कौन सा आ रहा है? ब्लू। और फिर क्या लिखा हुआ है? दिस वन। तो इसका आ रहा है रेड। फिर क्या लिखा हुआ है? Br। तो कौन सा आंसर है बताओ? समझ में आया नहीं आया? ये IIT मेडिकल का फेवरेट क्वेश्चन है। सेकंड आंसर है। अब तो कर लोगे कलर वाले क्वेश्चन? अब तो प्रैक्टिस हो गई, अब तो ये जाएगा नहीं। कौन सा आ गया था? 70, 34, 35। चलो भाई ये आपका क्वेश्चन है, बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। भाई ये किसका एग्जांपल है? फर्स्ट ऑर्डर। वैसे तो इसको स्यूडो ऑर्डर बोलते हैं, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर। आपको दिखने में तो दो लगेंगे, लेकिन एक्चुअली में जब सुगर इसमें डिजॉल्व हो जाती है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना निकल के आता है? वन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सही है। 34, 35 है कहीं सबसे नीचे? अच्छा, ये रहा। चलो भाई बताओ, ये आपके फिजिक्स का क्वेश्चन है। वाइब्रेशनल मोशन, एनर्जी इक्वल टू, ये तो काइनेटिक एनर्जी का होता है 3/2, तो कौन सा आ जाएगा? KT। 35 खत्म। फाइल नंबर 2। थर्टी सिक्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। ऑस्मियम कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो रिडक्शन हो रहा है यहां पे, तो इसको, लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन रिएक्शन। 36, 37। ये रहा। चलो बताओ ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आप हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको वैलेंस कर दो, हटाओ, कहानी खत्म हो जाएगी। हिट एंड ट्रायल मेथड से वैलेंस करो भाई। फास्फोरस कितना है यहां पे? फास्फोरस 4 कहां दिख रहा है आपको? 4 यहां तो है नहीं, फर्स्ट को काट देता हूं। कुछ नहीं करना है, इक्वेशन को वैलेंस करना है। फर्स्ट तो है नहीं, और कौन सा नहीं है? थर्ड नहीं है। फर्स्ट और थर्ड में तो हमें कुछ देखना नहीं। अब यहाँ पे चेक करो, क्लोरीन कितने हैं आपके पास? 20। क्लोरीन कितने हैं आपके पास? 20। तो यहाँ कितने हो गए? 8। 8 और 12, 20। हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास यहाँ पे? 12। तो 12 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। क्लोरीन कितने हैं आपके पास? 20 हो गए। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है? इसमें 9 है, तो हो नहीं सकता। तो कौन सा आंसर हो गया बताओ? ये वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चन को पहले से करने की, और दिमाग तैयार होना चाहिए। ये तो भैया आपका ही आंसर है, क्वेश्चन है, बताओ इसका कौन सा आंसर है, बताओ फटाफट। भी बता दिया करो कभी कभार। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा?
कौन सा आंसर आ गया? सेकंड आंसर है। आयोडीन का कितना? 7, 7 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे? बाई 2, 6 sp3d2। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी? 7 प्लस 6 प्लस 1 sp3d3 था ये, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी? 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 मतलब 7 प्लस 2 प्लस 1 sp3d है, इसका मतलब क्या है? 7 प्लस 2 प्लस 1 ये भी sp3d है, तो आंसर सेकंड है, सही है, ये आंसर हो गया 38। क्वेश्चन नंबर 38 39, बताओ, चलो जीओसी बता सकते हो आप लोग? जब भी कभी ऐसी होती है, इंटरमीडिएट कौन सी बनती है? मैंने आपको कराया हुआ है ये जीओसी में, देखो यहाँ पे जब भी CH2 CL2 या X2 होता है, अगर ये जाता है तो वहाँ पे कार्बिन इंटरमीडिएट बनती है। कौन सी चीज़ बनती है? कार्बिन, तो कौन सा बन जाएगा? फोर्थ, क्योंकि यहाँ पर दोनों BR जाएंगे, एक अपना इलेक्ट्रॉन ले करके एक अपना दे करके, तो वो तो प्रोडक्ट बना, उसको मारो गोला, ये केवल ये है बीच में इंटरमीडिएट क्या बना, तो कभी भी ऐसे आ जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग कार्बिन इंटरमीडिएट। 39 क्वेश्चन नंबर 40, चलो ये आपका बेस्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए अच्छा मिल गया आपको। बताओ कौन सा आंसर है? एसिडिटी, जीओसी का क्वेश्चन है। बताओ, अरे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? फोर्थ आंसर है ये रहा, इंटरमॉलिक्यूलर। ये यहां माइनस आर लग रहा है, यहां माइनस आई लग रहा है, तो माइनस आर को प्रायोरिटी देंगे, ये तो यहां प्लस लग रहा है। फोर थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ आंसर है, सही है, एसिडिक। 40 41, स्पीड थोड़ी और बढ़ा देते हैं अभी, 41 कहां गया? ये रहा। अच्छा, ये आपका नहीं है, इसको मैं देखता हूं। मोस्ट स्टेबल, ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये हार्ड है, ये हार्ड है, ये हार्ड है, सही है, सही है, फर्स्ट आंसर है इसका, हार्ड हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट। 42 ये आपका क्वेश्चन है, बायोमॉलिक्यूल्स अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में प्रोटीन के में किससे स्टेबलाइज करता है वो, कौन से बॉन्ड लगे होते हैं उसमें? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, सही है। 42 43 ये आपका क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट का सबसे भयंकर वाला क्वेश्चन। बताओ, बहुत ही एक्सेप्शनली, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, अगर किसी बच्चे ने पहले से प्रैक्टिस नहीं किया तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि कैलकुलेट करोगे हाइब्रिडाइजेशन एक जैसा आएगा, लेकिन एक्चुअली में हाइब्रिडाइजेशन एक जैसा होता ही नहीं है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर चेंज होते रहते हैं, क्योंकि एक में पी पाई डी पाई चल रही है, तो बताओ कौन सा होगा? इसमें पी पाई डी पाई होने की वजह से इसका कैसे हो जाता है? होने को तो एक जैसा होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ना आप, ये लॉन पेयर इसके बेक एंड डी ऑर्बिटल में चला जाता है, तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ता है, तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जबकि होना sp3 चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पी पाई डी पाई होती नहीं है, तो इसलिए ये sp3 होता है, तो इसका स्क्वायर है ना, इसका पिरामिडल है, उसका प्लेनर है। थर्ड आंसर ये आपकी कॉपी में मैंने कराया हुआ है। 43 44
क्वेश्चन नंबर 44, ये आपका क्वेश्चन, बताओ। फजान रूल लगा दो, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो कोवेलेंट होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, जल्दी बता दो। स्मॉल साइज कैटाइन, लार्ज साइज एनाइन, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, है ना। अब यहाँ पे Cl2 लगे हुए हैं तो इसका स्मॉल साइज किसका होगा, सब में लोएस्ट बताना है ना, तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सही है। स्मॉल साइज कैटाइन, लार्ज साइज एनाइन, एनाइन तो सब में कॉमन है, इससे देखेंगे जिसका छोटा होगा उसका, आयोनिक का ज्यादा होगा बीपीएमपी। कितने हो गए, 43, 44 हो गए, 45। बैट डाई आपने पढ़ा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ लेना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ध्यान रखना, इंडिगो, नहीं तो आपको लगेगा अच्छा ये तो हमारा है ही नहीं, क्योंकि ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। फोर्टी सिक्स बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक कौन सा होगा जिसमें एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो कौन सा एसपी हाइब्रिडाइजेशन है बताओ जल्दी। इथाइन, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी एसपी, सिमेट्रिक होगा मोर, तो आंसर सेकंड, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। 47 आपके एनसीईआरटी में से लिया गया है, एल्डिहाइड कीटोन में से, बताओ इसका नाम क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड, रिएजेंट किस में यूज होता है बताओ, हाफ एन आर है वैसे हमारे पास, बताओ भाई कौन सी रिएक्शन है। बताओ, अरे एल्डिहाइड किससे बनाते थे, इटार्ड रिएक्शन से, इटार्ड रिएक्शन है ये एनसीईआरटी बुक से। 48 चलो ये आपके क्वेश्चन है स्टेट सब मैटर से, एक कोई परफेक्ट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना होगा उसका, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, अगर कोई परफेक्ट गैस है तो उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होता है, अगर कम या ज्यादा होता है तो ऊपर नीचे वेरिएबल होता है। 48, 49 एसिड बेस इन मोल्टन स्टेट, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट होता है, मोल्टन कंडीशन में जो समझाता है, ठीक है। 49, 50 ये आपका नहीं है, थोड़ा ये यूपी पीजीटी वालों का है, फोटोकेमिकल रिएक्शन में सेलेक्ट करना है क्वांटम यील्ड जिसकी 2 हो, क्वांटम यील्ड 2 हो, तो इसमें ध्यान रखिएगा ये अलग अलग हैं, ये भी अलग अलग हैं, ये भी अलग अलग हैं, तो आंसर इसका जाएगा थर्ड वाला, तो इसमें यील्ड इसकी 2 है। फिलहाल आपके लिए नहीं है ये वाला क्वेश्चन, नीट के लिए नहीं है। 51 ये आ गया आपके लिए, बताओ जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें स्पिन ओनली होता है,
वैसे एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या होते हैं, स्पिन प्लस ऑर्बिटल दोनों होते हैं, लेकिन यहां पर जो स्टेबल कॉन्फिग्रेशन होगा उसमें केवल स्पिन होगा। बताओ स्टेबल कॉन्फिग्रेशन कौन सा है, इनमें सब में स्टेबल कॉन्फिग्रेशन कौन सा है? बता सकते हो? जी डी का कितना होता है, 4F7 5D1 6S2, दो यहां से निकालो एक यहां से निकालो, स्टेबल हो गया नहीं हो गया? ल्यूटेरियम का कितना होता है, ल्यूटेरियम का 4F14 5D1 6S2, तीन निकाल दो, स्टेबल स्टेबल। जिनका स्टेबल कॉन्फिग्रेशन होता है उसको बोलते हैं स्पिन ऑनली। वैसे एक्चुअली में होता है स्पिन प्लस ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सी रिएक्शन दिखाई दे रही है आपको बताओ? लोन पे इलेक्ट्रॉन में क्या आ सकता है, क्या ट्रैप हो सकता है लोन पे इलेक्ट्रॉन में बताओ? लोन पे इलेक्ट्रॉन में क्या आ सकता है बता सकते हो? लोन पे इलेक्ट्रॉन्स में क्या आ सकता है? प्रोटॉन अटैच हो सकता है, नहीं हो सकता है? प्रोटॉन अटैच हो जाएगा इसलिए उसको क्या बोलेंगे, प्रोटॉन स्पॉन्ज, प्रोटॉन स्पंजी। यहां पे एच प्लस आइंस ट्रैप हो जाता है। ये आपके हाइड्रोजन वाले चैप्टर से लिया गया है, बताओ एनसीईआरटी का क्वेश्चन बताओ भाई। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कौन सी है? बताओ कौन सा आंसर होगा? कौन सा है पता नहीं है? देखो ये गैस होती है, ये भी गैस है, वाटर इसमें एज ए गैस का काम करती है, गैस से जब गैस रिएक्शन करती है तो गैस ही प्रोडक्ट बनता है, इसलिए बोलते हैं वाटर गैस। वाटर जो गैस का काम कर रही है, गैस से कोलाइड कर रही है, गैस ही बन रही है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। CO2 बनता है, ध्यान रखना उसमें, और इसमें वैसे भी COCO बना रखा है, तो फोर्थ आंसर है। बताओ सिलिनियम डाइऑक्साइड, सिलिनियम डाइऑक्साइड क्या करता है? एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, बताओ कैसे करेगा? एसीटोन ये है, CH3 COCH3, ठीक है। अब ये क्या करेगा बताओ? ये यहाँ पे करेगा CH3 COCHO, हाइड्रोजन को हटा देगा, ऑक्सीजन जोड़ देगा, कौन सा हो गया बेसिकली? ये SiO2 है, ठीक है, ऐसे होता है। चलो बताओ कौन सा आंसर है इसका?
मार्सल एसिड एंड ओलियम, नंबर ऑफ एसओ एसओएच बॉन्ड, बताओ भाई क्या है इसका आंसर? तुम तो परेशान खुद ही बैठे हो, बताओ कौन सा वाला? बताओ कौन सा आंसर होगा? मार्सल एसिड कौन सा होता है? देखो H2H2O8, इसको क्या बोलते हैं? मार्सल एसिड। ओलियम क्या है? H2H2O7। अब बताओ मार्सल एसिड कैसे होगा? यही तो होता है, नहीं होता? अब आप ढूंढो इसमें, मैंने स्ट्रक्चर बना दी, पता करो ये ओलियम है। एसओ बॉन्ड 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4, फर्स्ट आंसर आ गया। कॉम्प्लेक्स इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट व्हेन लिगेंड फील्ड इज, बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कब वो होगा? कौन बच्चा बताएगा? द कोबाल्ट सेकंड। अब मान लो कोबाल्ट सेकंड है, इसका मतलब क्या है? कोबाल्ट का मतलब है 3d7 एंड 4s2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा बताओ? d7 है। अब देखो अगर मान लो ये स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग को आप ऐसे तो लिखोगे? स्ट्रॉन्ग को ऐसे लिखोगे? वीक को कैसे लिखोगे? वीक को ऐसे लिखोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो वीक के केस में तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है? 3 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग के केस में कितना आएगा? कम आएगा। तो समझ रहे हो ना? अब टेट्राहेड्रल देख लो, टेट्राहेड्रल का कुछ ऐसे हो जाएगा, ये नीचे हैं दोनों, ये ऊपर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टेट्राहेड्रल है वीक। अगर स्ट्रॉन्ग भी होता तो भी ऐसे ही है। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये आंसर आएगा 56। 57 बताओ इसमें ऑर्थोरोम्बिक द ट्राइगोनल यूनिट बॉन्डेड किससे बॉन्डेड होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से 2 डायमेंशनल होती है। इसको क्या बोलते हो आप लोग? मोनो बेसिक एसिड। क्यों? होने को तो ये 3 है OH, इसमें 3 OH है या नहीं है? लेकिन 2 OH किस में चले जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। 2 डायमेंशनल होती है नहीं होती है? तो 2 OH चले जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो ये मोनो बेसिक बोली जाती है। S3BO3 इज नोन एज द मोनो बेसिक। 57 58 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलो ये आपका नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, ये 8 वाली पोजीशन पे अटैक करता है ना, किनोलीन ये होती है। तो इसकी 8th वाली पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। 59 अब तो बता दोगे मोस्ट स्टेबल, बताओ। चलो दी GOC का क्वेश्चन है।
बताओ। अच्छा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या चाहता है? कि मुझ पे नेगेटिव रहे। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या चाहता है? मुझ पे पॉजिटिव रहे। तो इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? कौन सा वाला है? अरे भैया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एसपी हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन किसमें? इसमें फर्स्ट आंसर है। अरे ये एसपी है या नहीं है? ये एसपी टू है, ये तो एसपी थ्री है, ये एसपी टू है। जिसका एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता है, अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड का एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा है। जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर है, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी, वहां पर माइनस चार्ज ज्यादा रह सकता है, ध्यान रखना। वही कॉन्सेप्ट है जीओसी के जो बार बार आ रहे हैं। 60 ये CVCP कितना होता है बताओ? थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। डायटोमिक गैस के लिए कितना होता है बताओ? मोनोएटॉमिक के लिए कितना होता था? 1.67। डायटोमिक के लिए 1.4। ट्राइटोमिक के लिए 1.33। तो मोनोएटॉमिक के लिए कौन सा होगा? अब यहां तो कोई दे नहीं रखा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? उसके नियर बाई जाओ, कौन सा हो गया फिर? एक्चुअली में तो इसमें कोई सा भी आंसर नहीं है। डायटोमिक होना चाहिए था 1.40 मान लेते हैं एक बार के लिए। अब 1.40 तो है नहीं यहां पे। अब इनमें तो जा नहीं सकते, सब में इसी में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 60। चलो, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन उठा दी है। ये आपके पास, हमारे पास ये कार्बोनाइल है, ये साइनोहाइड्रिन है। साइनोहाइड्रिन में नेगेटिव पॉजिटिव, ये आ गया यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव। क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सही है भाई? इक्विलिब्रियम स्टेट पर डेल्टा जी कैसा होता है? जल्दी बताओ भाई, जल्दी। इक्विलिब्रियम स्टेट पर डेल्टा जी कितना होता है? जीरो। अगर कम या ज्यादा होगा तो चेंज होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पे कितना होता है? जीरो। सिक्सटी थ्री है ना? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टार्ट्रिक एसिड, अमीनो एसिटिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इसका आंसर ये है। बताओ इसका कौन सा आंसर है? .5H2। बताओ NaCl क्या है? बताओ बताओ, कौन सा? फोर्थ नहीं है, और ध्यान से देखो, सेकंड है। बिल्कुल सही कह रहे हो, पहले का भी
ये वाइट वॉश में यूज़ होता है, ठीक है। दूसरे का डी, ये वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन में काम में लाया जाता था। कैसे करते थे वॉशिंग सोडा को? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 करते थे, नहीं करते थे? तो यहाँ पे क्या बनता था, NaHCO3 प्लस फर्दर उसको क्या करते थे, हल्का सा उसको हीट करते थे, हीट करने पे क्या होता था, Na2CO3 डॉट NH2, ये बनता था नहीं बनता था? तो इसको NaCl को वॉशिंग सोडा। थर्ड का ए, कास्ट ऑफ एस्टेच्यू, जिप्सम बनाते थे ना इससे, ये आ गया एंटासिड है, सेकंड आंसर है, बिल्कुल सही जवाब 64। चलो थक गए हो क्या, ज़्यादा नहीं कराएंगे, 75 करा देते हैं आज, फिर बाकी कल कराएंगे। ये अब ये कह रहा है कैन बी फॉर्म्ड बाई इतना, विच ऑफ द सीक्वेंस। अब इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा हो जाएगा बताओ, अगर इसकी हम बात करें तो। ये जैसे मान लो ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, पहले ये था, फिर ये चार ग्रुप अलग अलग जोड़ दिए गए, तो पहले कौन सा ग्रुप जुड़ेगा? इसको आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे तो सबसे पहले आएगा पायरिडीन, तो पहले पायरिडीन जुड़ेगा, फिर ब्रोमीन, फिर ये वाला जुड़ेगा, इस तरीके से ऑर्डर होगा। मैजिक नंबर जानते हो फिजिक्स में आप लोग? मैजिक नंबर क्या होते हैं? फिजिक्स का, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। बाकी एक केमिस्ट्री होती है जिसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोलते हैं, जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर दोनों सेम होते हैं, वो स्टेबल न्यूक्लियाई बनाते हैं, उनको बोलते हैं मैजिक नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल ये, अब बताओ इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 2। न्यूट्रॉन कितने हैं? 4 में से 2 गए तो 2 है या नहीं है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जैसे हुए नहीं हुए, तो ये स्टेबल न्यूक्लियाई बनाएगा। अब मान लो मैं आपसे पूछूं इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 8। 16 में से 8 गए तो न्यूट्रॉन कितने बचे? 8। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जैसे हैं या नहीं है? तो ये स्टेबल न्यूक्लियाई बनाएगा। अब मान लो मैं आपसे पूछूं 20, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 20। न्यूट्रॉन कितने हैं? 20। तो ये क्या है, स्टेबल न्यूक्लियाई बनाएगा नहीं बनाएगा? तो जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है वो स्टेबल न्यूक्लियाई बनाते हैं, मॉडर्न फिजिक्स आपके में, न्यूक्लियर केमिस्ट्री केमिस्ट्री में। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला, इनको बोलते हैं मैजिक नंबर। चलो ये आपका GOC आ गया, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? बताओ भाई सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? एसिडिक तो बता दो, कौन सा हुआ बताओ, और तो इफेक्ट आया नहीं है, और तो पोजीशन पे जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा एसिडिक होगा COH के रेस्पेक्ट में, और तो पोजीशन पे, और तो इफेक्ट बोलते हैं इसमें लगता है ना COH वाले में। बताओ इस रिएक्शन का नाम होता है, ध्यान रखना, चीची विविन रिएक्शन। यह क्योंकि लॉन पेयर यहां जाएगा, यहां पे ये पोजीशन बेसिक है, वो उधर अटैक कर जाएगा।
69 देखो, चलो अब तो बता दो इसका IUPAC नेम, डेवार स्ट्रक्चर ये है, चलो बताओ इसका IUPAC नाम क्या होगा। ये डेवार है, डेवार ने पहले बेंजीन को ऐसे बनाया था। अब ये ब्रिज टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, ब्रिज टूट रहा है, 1 2 1 2 2 2 0 बाई साइक्लो, 2 2 0 बाई साइक्लो, हेक्सा डाई इन, चलो बताओ इसका आंसर क्या है। आपकी NCERT बुक से बस ईथर के प्लेस पे आप ऐसा ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पे मान लो पाइरेडीन या फिर ईथर एक ही जैसी रिएक्शन होगी, तो कौन सी रिएक्शन है ये बताओ। अगर यहाँ पर CCl4 होता तो SN2 होती, यहाँ पर पाइरेडीन और ईथर है तो कौन सी होगी, SNI, सही है, ये हमने की हुई रिएक्शन है। इसको कौन सी रिएक्शन बोलते थे, गैस फेज में, नहीं गैस फेज में जो बनती थी, डार्जन रिएक्शन, क्या बोलते थे इसको, डार्जन रिएक्शन। चलो ये आपके मतलब की नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 9-10 है इसका आंसर, फेनेंथ्रेसिन। इसको आप लोग रहने दो, है ना, ये दूसरे पर्पज के लिए है। 71 हो गए, 72, चलो बताओ ये आपके में है, कॉलोमल इलेक्ट्रोड में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है ये, मेटल जो होता है इनसॉल्युबल मेटल होता है, आयन सॉल्युबल एनायन, तो ध्यान रखना ये वाला आंसर है। मेटल उसमें जो होता है कैलोबल में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। ये भी नहीं है आपका, तो इसका ये आंसर होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, 6 ये हो गया, 2 ये हो गया, 8 एंड हेक्सागोनल दिस वन। ये भी नहीं है आपका, ये भी नहीं है इसका, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 3 आ जाएगा, उसका 2, उसका आंसर ये हो, ये भी नहीं है आपका, है ना, नीट में ये नहीं आएगा, ये IIT JEE में पूछ लेता है, मिलर इंडाइसिस वगैरह। 74 75, चलो ये आपके में है, ये केमिकल काइनेटिक्स में, बताओ इसका आंसर क्या होगा। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन रेट ऑफ एंजाइम कैटालिसिस क्या करता है बताओ, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एंजाइम एज ए कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, तो रिएक्शन में क्या करेगा, बिल्कुल सही है, पहले क्या करेगा, ऑप्टिमम वैल्यू तक उसको बढ़ाएगा, फिर डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो आज यहीं तक कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन और हैं इसके, वो कल करेंगे।